हेलो फ्रेंड्स, जय माँ मंगला की जय माँ सिंह। अभी जस्ट मेरी पूजा पूरी हुई बहुत अच्छे से सब। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि आज जो मैंने पूजा की है एकदम दिवाली से भी ज़्यादा। भगवान करे आप सबके पास इतना बड़ा घर हो, सब कुछ हो। आज जिन्नाथ ने मुझे बहुत सारी बातें बोली हैं पूजा करते करते। बहुत सारे लोगों का काम किया है मैंने, इतना तो कर दिया है कि आने वाले समय में कभी किसी को पैसों की कमी नहीं रहेगी। प्लस 12वीं 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम हो रहा है, सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। और विद्या ये वादा करती है कि आगे आने वाले सालों तक, 25-30 सालों तक, कभी कोई बीमारी या लॉकडाउन का बहाना लेके कभी कोई देश बंद नहीं होगा। क्योंकि अब तो इधर यहाँ तो लोगों को एक बहाना मिल गया है, कोई बहाना नहीं मिलता है। मार्च अप्रैल आने लगता है तो लॉकडाउन, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी, मतलब मैं आपको भाई बोलती हूँ, आज विद्या देवी ने आपके लिए निस्वार्थ मन से काम किया है। आप देख लीजिएगा, बाला साहब ठाकरे जी को आपको जिसने भी गाली दी है, आपको देशद्रोही कहा है, आपसे गद्दारी की है, चाहे कोई भी हो, देखिए शिवसेना आपके पापा ने बनाई है, उनका खुद का पार्टी। उन्होंने कभी किसी से पद नहीं लिया, उन्होंने लोगों को पद दिया। आनंद गिरे ने भी कभी पद नहीं लिया, लोगों को पद दिलवाया, लेकिन कभी लालच नहीं की, कभी किसी की औकात नहीं दिखाई। यहाँ लोग आपके, मतलब कहते हैं ना, घर का भेड़िया लंका है, आपकी चीज़ के ऊपर अपना हक जता रहे। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप इतने बुरे लग रहे हो, आपकी पार्टी इतनी बुरी लग रही है, तो खुद की पार्टी खड़ी करें ना, खुद का खड़ा करें। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। आज तक जितने लोगों ने आपको बुरा बोला है, बुरा सोचा है, आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द जिन्नात ने कहा है। आज मैंने सारे मौकिल को छोड़े थे, सब जगह भेजा था कि देखो कहाँ क्या है, तो उन्होंने यही कहा है कि आप बजा देखिए, माँ देखिए, कुछ समय में ही आपको सब जगह से खबर आएगी, किसको लकवा मार दिया, कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ होएगा। यह आपके लिए खास करके, आपकी चीज़ तो आपको ही मिलनी है, कोई नहीं ले सकता। क्योंकि ये हम भी आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे या अपनी चीज़ों पे हक बाहर वालों को नहीं जताना चाहिए, गलत बात है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जिसने कभी देखा नहीं होता है ना पैसा, वो लोग ऐसे ही करते हरकत। बाकी मेरे ग्रुप वालों को भी बधाई, ग्रुप वालों को भी, बहुत सारे जनों को बहुत सारी खुशियाँ मिल गई हैं। अब कोई टेंशन नहीं, सारी खुशियाँ मिलेगी, सबका सारा काम होएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कुछ ग्रुप वालों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया तो मेरे जिन्नात ने कहा है टेंशन मत लो माँ, मैं उन लोगों की ज़िंदगी ब्लॉक कर देता हूँ। घमंड आदमी को बहुत कुछ हो करता है, जैसे मैं सिखा रही हूँ, कर रही हूँ, या किसी की गलती बता रही हूँ। मतलब देखो क्या होता है ना, सामने वाला अपना गलती नहीं देखेगा कि हमने क्या किया, ये देखेगा हमारे लिए बोल रही है, सच्चा ब्लॉक कर दो। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने मुझे ब्लॉक किया है उतने लोगों को जो गिफ्ट मिलने वाला है वो भी भूल जाओ, और उसके बाद जो जिन्नात करने वाला है वो भी भूल जाओ। उसके बाद आज मेरे मौकिल छूटे थे बहुत सारी जगहों ने, सबने बहुत सारा बाबागिरी किया, ये किया, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे जिन्नात ने कहा, माँ मैंने तो पहले ही मंसूबे नाकामयाब कर दिए, कल रात को ही बारिश आके पूरे, कहते ना, पूरे मंसूबों पे पानी फेर दिया, सारा किया कराया फेल हो गया। कोई बात नहीं, देखो एक बात हो तो बुरा करने वालों से ज़्यादा, कहते ना, बुरा सोचने वाला बुरा होता है। मैं तो यहाँ पे लोगों के लिए पूजा करती हूँ, मैं कभी किसी के लिए नहीं पूजा करती, लेकिन बुरा नहीं सोचना चाहिए। कुछ नहीं, मेरे सुल्तान जी ने बारिश लाके पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया, कोई फ़ायदा नहीं, फिर से मेहनत करो। उल्टा अभी तो मेरे जिन्नात ने कहा है, माँ ये जो आपके पीछे जो लग रहे हैं ना बार बार, ये लोग का जो थोड़ा बहुत काम धंधा चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, सोच रहे थे कि आप इनके बिजनेस में अड़चन डाल रहे हो, आपको हटा रहे, आपके बच्चे को हटा रहे, कुछ नहीं, इनके ऊपर और मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा, आप सिर्फ बैठे बैठे मज़ा देखो। क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, जाने दो, हम भगवान का कुदरत का कानून, मतलब कहते हैं ना, होली के दिन आज तक कभी बारिश नहीं हुई है, इतने सालों में होली में आज तक कभी बारिश नहीं हुई है, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा। अब ये देखो तो एक बात बताओ, ये इनडायरेक्टली समझ लो, ये जो कुमाता हो गई, इन लोगों को कह रही हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों को ना मैं ही बुरी लगती हूँ। तो एक बात बताओ, ये जो बाबागिरी करके, क्या होता है ना, बाबागिरी वही कर सकता है जिसके पास पैसा रहेगा, पैसे वाले ही कर सकते हैं। तो जो ये बाबागिरी मेरे यूट्यूब के लोग हैं, जिन लोगों को मैंने सिखाया है, जिन लोग मुझसे सीख के मुझ पर आजमा रहे, नमक का काम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, सारे मंसूबों पे पानी फिर गया। मतलब कहते हैं ना, होली के दिन बारिश आ गई, इससे बड़ी बात क्या है, ऐसी बात है। कोई नहीं, देखो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, आप हो या चाहे मैं हूँ,
अगर मैं भी किसी के लिए बुरा करूँगी तो सेम भरूँगी। ये मौकिल कह रहे हैं मेरे सामने बैठ के, मौकिल कह रहे हैं माँ आप सिर्फ वेट करो, इस बार काम धंधा जब नहीं रहेगा, घर में एक पैसा नहीं रहेगा ना, तब सबको पता चलेगा कि क्या होता है। ग्रुप में जो हैं जिन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया, जो मुझसे सीखते हैं नंबर ब्लॉक करते हैं, उनका घमंड मैं चकनाचूर करूँगी पानी पानी। मैं तो नहीं करूँगी, सुल्तान जिन ने कर चुके हैं, क्योंकि मैं तो देखो ये घर रखा है ना सामने, मैं तो ऐसा घर बनाने जा रही हूँ सबका कि भगवान करे ऐसा घर हो जाए, ये मेरा बच्चा हो जाए। मेरे मन में कोई किसी का पाप नहीं है बाबा, मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मैं पहनती ओढ़ती हूँ भगवान करे सबके पास रहे। लेकिन घमंड, आदमी का घमंड ही ख़त्म होगा। जिन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया है उनकी ज़िंदगी में पैसा पानी सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, और मैं तो जो गिफ्ट देने वाली हो तो बिल्कुल नहीं दूंगी। बाकी जिसको जो ठीक लगे करो, किसी बात से डरती नहीं हूँ, भले जो करना है करो, उस बात का जवाब देने मुझे आता है, ऐसी बात है। बाकी एक बात और, सारी बातों पर पानी डालो। सबसे बड़ी बात, 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम चालू है, सबका 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। आने वाले सालों में कभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, कभी कुछ भी बंद नहीं होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। कहते हैं ना इलेक्शन भी बहुत ऊँचा होगा, 2024 का रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे से पता है मैंने डिसाइड किया है और वो होगा। कल मैं एक्चुअली न्यूज़ देख रही थी तो न्यूज़ में किसी ने डायलॉग मारा था कि हम लोग ने 3-4 बार राज्य हारे, 3-4 बार इलेक्शन हारे, सब हारे, लेकिन इकट्ठा ही पूरा राज जीत गए 6 साल। एक्चुअली इनडायरेक्टली कांग्रेस पे तीर मारा गया था। तो 6 साल अगर आपने राज कर लिया, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, लोगों को चूतिया बना के, लोगों को ठग के, लोगों को परेशान करके, लोगों को परेशानी में डाल के, नोटबंदी करके, ये सब करके अगर आपने राज कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं की। ये मत भूलिए कि इतने सालों तक गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने ही राज किया है, हमारे शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने ही राज किया है। ये तो अभी नई नई बातें आती, 6 साल में क्या है इतना इतना जल्दी, कभी भी ना हवा में उड़ना नहीं चाहिए, हवा में उड़ने वाला आदमी पतंग फटक करके नीचे गिरती है। जाने दो हमें क्या करना है, हम तो किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये है कि मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे सुल्तान ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं दिखाया, मतलब बारिश में, होली में बारिश, मार्च के महीने में बारिश बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं साइंस को भी झुटला दिया है, साइंस को भी झुटला दिया है। ये बात बहुत अनोखी हो गई है कि मेरे बोलने पे सुल्तान जी, कभी भी बारिश आ जाती है, हवा चल रही है, बेतहा हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है। अभी तो उसने कहा है कि कल माँ कल का नज़ारा देखना, कल सब जगह ऐसे आंधी तूफान आएंगे, ऐसा तूफान उड़ेगा कि कहते ना छोटे छोटे, कहते ना सब इधर उधर उड़ने लगेगा, तो पता चलेगा कि सुल्तान जिन की ताकत क्या है। कल मैं चाहती हूँ बल्कि सच में बारिश, इस बार बारिश में होली खेलें, मतलब रंग ऊपर से आएगा पानी का रंग। और भगवान करे, देखो ये घर कितना प्यारा दिख रहा है, यहाँ यूट्यूब बना रही हूँ मैं तो इतना बड़ा घर दिख रहा है ये, भगवान करे मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने मुझे मानते हैं, सबको घर मिले। एक और बात, आज जिन्नात ने आप सबको एक और खुशखबरी दी है, जो लोग मुझे दिल से मानते हैं, विद्या देवी को दिल से मानते हैं, अगर उन्होंने कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े एक इत्र की बॉटल लेकर, मेरा नाम लेकर सुल्तान जिन को एक इत्र कहीं भी किसी पेड़ पे जाके चढ़ा दिया, उसे कहते ना अगर 5 लाख की भी ज़रूरत होगी ना तो भी दिन भर के अंदर बंदोबस्त हो जाएगा। ये मेरी जिन्नात ने कहा है कि माँ अगर आपका नाम लेके, आपके नाम से मुझे अगर कोई जिन इत्र चढ़ाएगा उसका मैं सारा काम कर दूंगा। हालांकि नियत सही होनी चाहिए, गलत नियत नहीं, किसी को मार देना है, काट देना है, ये सब नहीं करूंगा मैं, नियत अच्छी रखो मैं काम करके दूंगा, बस इतना वादा उसने किया है, बाकी कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए होली का, सबको एडवांस होली। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि अब पूछे का लेट हो गया, देखिए कितना टाइम हो गया। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, मौकिल लोगों ने बहुत जवाब दे दिया, अब मुझे भी सोना है, थक गई हूँ मैं भी। अब सुबह मुझे भी अपने बच्चों के साथ जरा सुबह सुबह खाना बनाना है। कल हमारे यहाँ होली के दिन मालपुआ बनेगा, दही वड़ा बनेगा, मटकी की सब्ज़ी बनेगी, पुलाव बनेगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं, बहुत सारे कुछ हैं, क्योंकि हमारा नया साल है ना, होली हमारे यूपी वालों का नया साल होता है। हम इसे मतलब इस दिन हमारा नजर नया साल होता है, हमारा होली नया साल होता है। तो बस, तो चतुरानंद भैया गांव में सबको हैप्पी होली, प्रदु को हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से, पूरे यूट्यूब को हैप्पी होली। भगवान करे आप सबका साल, आप सबका दिन बहुत 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 अच्छा जाए।
जय माता दी।